ओए सब्सक्राइब कर ना। मना कर रहे तेरी माँ। दिस एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय माय टाटा स्काई कनेक्शन, जिसमें से थोड़े बादल गरजने के बाद सिग्नल्स ऐसे बिछड़ जाते। यह है एडमैन मैडमैन एपिसोड 3 और इस बार की मूवी है कार। मूवी शुरू होती है विद इस हॉट मलाइका अरोड़ा खान के गाने से। अब इस गाने के पीछे मैं कितनी भी इम्पोर्टेंट बात कह दूंगा ना तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम ये गाना ही स्किप कर देते हैं। नाश कर दिया, अच्छा भला मजा आ रहा था। टिकटॉक से पहले लोग लिपसिंग करके नहीं इंटरनेट पे सच में ऐसे गाना गाते थे। काल काल में हम तुम करे तुम्हार। वैसे इस गाने का इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है। एंड ब्रो दिस इज अ हॉरर मूवी, तो 18 साल के नीचे के बच्चे वहीं बैठे रहो, हमने देखा है तुम भी देखो। ये मूवी ना बनने से बच जाती है और हम देखने से बच जाते अगर इन सब में से कोई एक भी एक जंगल बुक सफारी का रूल्स फॉलो करता। रूल बुक में लिखा है पैदल मत चलो मारे जाओगे मर जाते हैं, शिकार मत करो मारे जाओगे मर जाते हैं, ओवर एक्टिंग मत करो, अच्छा वो लिखा हुआ नहीं था पर मारे जाते हैं। तो मूवी में स्टोरी अब शुरू होती है जिसमें दो अंग्रेज रात को शेर के पास सेल्फी लेने जा रहे थे। इतने में शेर ने इनकी ले ली तो उसमें से एक ने बंदूक निकाल दी और चला दी। तब तक शेर को और गुस्सा आ गया, उन दोनों को मार दिया। फिर 2 महीने बाद सीन में आता है क्रिश थापड़, जो टाइगर स्पेशलिस्ट है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल के लिए काम करता है, सोनी वायो का लैपटॉप यूज करता है और इतनी सेक्सी वाइफ होने के बावजूद सांप के साथ रोमांस करता है। यार बीवी मिली है तुझे पर तू ऐसा कर रहा क्यों भाई? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। अब तुम चाहो कि ना चाहो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल और सोनी के प्रोडक्ट प्लेसमेंट कैसे भी आपको दिखा देंगे। फिर उसे कॉल आता है लंदन नेशनल ज्योग्राफिक ऑफिस से। वो लोग एक सीडी भेजते हैं इनको जिसमें लिखा हुआ था कि भाई जंगल में अलग लेवल का अमंग अस गेम चल रही है, कोई तो है जो टूरिस्ट को इन सबको मार रहा है, तुम लोग ऑर्बिट पार्क जाओ और ये गेम ज्वाइन करो। तो ये मरने मारने का खेला शुरू होता है। यही गेम ज्वाइन करने बेखबर दिल्ली की एक लोधी गैंग भी आती है। पहला दिल्ली के सरोजनी नगर का आइटम है ये देव मल्होत्रा, जो हर चीज के लिए एक ही चीज चाहता है। जी करता है तुम्हें जान से मार, जी करता है इसे जान से, जी करता है इसे जान से। और एक ही चीज कहता है जिसका दिख रहा मैन खतुकड़ा। ये उसकी गर्लफ्रेंड इशिता, ये जो मूवी से ज्यादा डरावनी है। पीछे इनके हैं 2 लौंडे, ये है विशाल जो मेंटली हैंडीकैप्ड है पर पूरी मूवी में इसके हाथ में सोनी का हैंडीकैप है। वैसे भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब ये विशाल का नहीं ये हैंडीकैप का। ये आखिरी आइटम साजिद, जो सिर्फ अपनी बंदूक से बहुत फ्लर्ट करता है। सिंगल एक्शन सेमी ऑटोमेटिक, यहाँ ट्रिगर दबा और वहाँ शिकार गिरा। अपने दोस्तों की गर्लफ्रेंड से तो तुम देव की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो मैं तुम्हें कब का प्रपोज कर चुका होता, सांप को पाल रहा था। और जब ये सारे के सारे नाचते नाचते जा रहे होते हैं बीच में आती है काली बिल्ली, देव ब्रेक मारने में लेट हो जाता है और बिल्ली मर जाती है। इसकी गर्लफ्रेंड इशिता फिर रोना धोना शुरू कर देती। तुम्हें काली बिल्ली को मारा है तुम इसका मतलब जानते हो? ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है, बहुत अशुभ। ये मन करता मुंह में कुछ लूं तू। पीछे बैठा इसका एक गंजी वाला हरामी दोस्त बचा लेता है। Hey guys, झगड़ा किस बात का? There's no dead cat, वो बच गई। आगे जाके काली गाड़ी को खून की उल्टी होती है नीचे से, हैं? नीचे से गाड़ी के मूड स्विंग्स चालू हो जाते हैं और देव जैसे ही बोनट खोलता है तो देखता है काली बिल्ली का खून तो इंजन पे लग चुका है। जैसे तैसे करके ये लोग धक्का मार कर एक ढाबे तक पहुंचते हैं जहाँ पे राइटर्स ने ढाबे वाले को लाइन ही नहीं दी। जब देव कहता है कि भाई मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो वो लोग कहते हैं जी साहब पराठे हैं, आलू और गोभी है, उनको की बिस्कुट है, हम दो है। इतने में देव को मिलता है हाउ टटाई ड्राइवर जिसका नाम है बग्गा, जो इनको लिफ्ट देता है और जैसे ही ट्रिप शुरू होती है अपने असली रंग दिखाता है और इनकी पतलून फाड़ देता है। फिर आगे जाकर ये बग्गा कहता है कि सर फार्म हाउस मत जाइए मेरे साथ चलिए मैं आपको बड़ा शिकार कराऊंगा, तो ये लोग हाँ बोल देते हैं। What the fuck is going on here? यार ये अजनबी है, तुमको सिखाया नहीं है कि अजनबी से बात भी नहीं करते, इसको ट्रिप बडी बना लिया। फिर दिल्ली गैंग मिलती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों से जो कहते हैं कि हम वैसे तो तुमको नहीं जाने देंगे क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम खराब है और रास्ते भी शायद बंद हो सकते हैं, पर तुम लोग हमको 1000 रुपए दोगे ना तो हम तुमको जाने देंगे। तो इसका गंजी वाला दोस्त 1000 रुपए फेंकता है, अब तो जाएं। तो वो लोग कहते हैं okay। थोड़ा ही आगे जाकर नेट जियो वाले क्रिश की भी गाड़ी खराब होती है। पीछे से स्पीड में आता बग्गा अपनी जीप से उनकी गाड़ी में गुब्बा कर देता है। वहीं उनकी मुलाकात होती है रिया और क्रिश से। बग्गा जैसे ही जीप को थोड़ा आगे लेके जाता है पीछे से नेट जियो वाले ड्राइवर
फाइनली ये लोग गेस्ट हाउस पहुंचते हैं। उसी रात उनको मिलता है ये मंगल पांडे गाइड जो उन्हें कहता है कि दूसरे दिन शेर दिखाएगा। उसी रात उसका ही शिकार हो जाता है। सुबह उठते ही बंदूकबाज साजिद अपना पहला शिकार करने निकल गया। बंदूकबाज शिकार करते करते गिर जाता है और फिर कोई ऐसा सीन दिखाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? ये लोग उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब बग्गा पता नहीं कहां से ड्राइविंग सीखा है, ये फिर एक बार ठोक देता है। तभी बाहुलियों में से आवाज आती है, तब निकलता है पहला शेर। देव अपनी बंदूक निकाल लेता है, वो पहली गोली चलाता है, दूसरा शेर निकलता है, दूसरी गोली चलाता है तो तीसरा शेर निकलता है, सबकी फट जाती है। इतने में एंट्री होती है अजय देवगन की, जिसका नाम है काली, जो दूर से चलता ही आता है, 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 चलता ही आता है। अरे बस भी कर यार। और जैसे ही पास में आता है तो वो कहता है, बोलो जुबा तीसरी। फाइनली उसकी जीत दिखती है। ये लोग सारे शुरू हो जाते हैं, जोर से बोलो सारे, बोलो साजिद, मिलके बोलो साजिद। पानी के पास मिलता है साजिद बिना मुंडी के। तो ये सारे जाते हैं गेस्ट हाउस पर वापस। तो ये लोग शुरू हो जाते हैं, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। इसी तरह आता है म, तो वो म से शुरू हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। तो ये लोग जिस रास्ते पे जा रहे थे वो रास्ता हो गया था बंद। वहीं आता है काली, जो कहता है वैसे तो मैं किसी की मदद नहीं करता हूँ, पर 1000 रुपए दोगे ना तो तुमको रूट नंबर 5 वाला रास्ता बता दूंगा। सबके सब चोर है साले। अभी बग्गा की ड्राइविंग कैसी हो तो तुम देख ही चुके हो। तो ये गाड़ी फिर ठोक देता है। जब तक गाड़ी बनती है कपल्स लोग अपना लव गिरी शुरू कर देते हैं और विशाल को मौका मिल जाता है काली से अकेले बात करने का। तो विशाल इतने में इसके पास आके एक बहुत जरूरी चीज मांगता है। निर्मल है क्या? और जब काली से ये लोग पूछते हैं कि पिछले 2 महीने से इतनी मौतें क्यों हो रही हैं, तो काली कहता है कि एक पागल गाइड था जो सारे टूरिस्ट को गलत गलत रास्ते दिखाता था और जंगल में मार देता था। एंड में उस गांव वालों ने उस गाइड को मार दिया, उसकी आत्मा। इतने फिर देव शुरू हो जाता है, मुझे सुनना ही नहीं है। और जब तक ये लोग एक दूसरे में कहानी खेल रहे थे, पीछे बग्गा गायब, तब तक विशाल ने डिसाइड कर लिया था कि गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो ये धीरे धीरे गाड़ी वो पुलिये से लेके जाते हैं और जीप का पिछला टायर फंस जाता है और विशाल अपने एक्टिंग स्किल्स दिखाता है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। पर जब तक उसको रियलाइज होता है कि गाड़ी में आग लग चुकी है, तब तक बहुत देरी हो चुकी होती है। विशाल जैसे ही पानी से उठता है, पास आ रहा होता है, इतने में गाड़ी फटती है और इसका फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता है। तो इसका अंतिम संस्कार करने के बदले गेस्ट हाउस की तरफ चले जाते हैं। फाइनली ये लोग पुराने गेस्ट हाउस तक पहुंचते हैं। काली इनको समझाता भी है कुएं के पास नहीं जाना, बट द फर्स्ट थिंग दे डू इज, पढ़ना तेरे को डर नहीं लगता? तो ये लोग फिर रिया को ढूंढने निकलते हैं। तभी देव नोटिस करता है कि काली का तो रिफ्लेक्शन पानी में भी नहीं दिख रहा। तो फिर ये हैंडीकैम में चेक करते हैं, तो हैंडीकैम में भी नहीं दिखता। क्रिश और ये सब डिसाइड करते हैं, अमंग अस गेम रिसर्च ये सब गया गधे के पिछवाड़े में, हम हमारी जान बचा के भागते हैं। मेन रास्ते पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाला पुलिस वाला मिल जाता है और ये लोग चले जाते हैं। हाँ, सिंपल, कहानी खत्म, बाय बाय टाटा। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये 3 जनों में से ये क्रिश इसीलिए जिंदा था कि ये पूरा जो 2 घंटे का ये हगे हैं, इसको नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट पे डाल सके। उसके बाद से मूवी के एंड में नेशनल ज्योग्राफिक वालों ने भी बोल दिया कि हमारा ये मूवी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर तुमको ये एपिसोड पसंद आया है तो अपने शिटी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए कीप शिटिंग, कीप स्माइलिंग।